ठीक, फिर मुंबई की ट्रेन पकड़ ली और मुंबई आया तो मेरे बैचमेट कुमुद मिश्रा, तो मैंने उसको पहले ही फ़ोन किया था कि भाई मैं आ रहा हूँ अपने कमरे में, मुझे रहने के लिए कुछ दिन जगह दे देना। तो उसने बोला हाँ आ जा। तो फिर वन ड्राई गोरेगांव ईस्ट में, वहाँ पे हम आके कुमुद के घर पे 15 दिन रहे। मेरे पास 4 कपड़े थे और कुछ थे नहीं, तो और 28,000 रुपये लेके आया था मैं आखिरी वर्कशॉप को जो भी मुझे मिला था। अब 15 दिन के बाद मैंने वही एक कमरा ढूंढ लिया अपने लिए रहने के लिए और हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो फिर एक मेरे और एक मित्र है अनुपम घोष, तो वो बोले कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, तो हम दोनों मिलके पार्टनर बन के एक रूम में रहने लगे। फिर मेरे स्ट्रगल शुरू हुई कि फिर फ़ोटो वोटो सब बोलते थे कि फ़ोटोज़ चाहिए भाई स्ट्रगल करने के लिए, यहाँ पे ऑफिस में देने होते हैं। तो कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए जूहू में एक स्टूडियो 90, सब वहीं फ़ोटो खिंचवाते थे सबसे पहले जाके वहीं पे। जितने आप अगर फ़ोटो देखेंगे शुरू शुरू में सबके फ़ोटो वहाँ के। तो हाँ मैंने 3-4 फ़ोटो खिंचवा लिए, फिर मैं जाने लगा भाई कि हम भी एक्टर आए हैं। तो काफ़ी तकलीफदायक काम है सच बताऊं, कि क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैं जाऊंगा, NSD किया हुआ है और इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, काम किया हुआ है तो मुझे काम मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगा ये तो बहुत मुश्किल काम है कि लोग ऐसे बात करते थे, अच्छा NSD से बहुत समय हो गया काम मिला नहीं, करते 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 2.5 महीना हो गया, अब हमारे पैसे जो है ख़त्म होने लगे, अब तो हम वड़ा पाव बस इसी में गुजारा कर रहे थे। तो मुझे लगा यार तू गलत तो नहीं आ गया, मैं हिम्मत तो कर लिया कि मैं भी देखता हूँ मुंबई क्या है। तो मुझे लगा ये तो गड़बड़ हो गया, डिसीजन मेरी गलत है क्या। तो मैं पिताजी को खत ही लिख रहा था, उस वक्त पेजर हुआ करता था, पेजर यहाँ लटका ही हुआ था। तो मैं खत लिख रहा था कि पिताजी को कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं शायद मुंबई गलत आ गया, मैं वापस थिएटर करने या कुछ काम करूँगा बाहर, वर्कशॉप्स या जो भी है बेंगलोर या दिल्ली में जाके कुछ काम करूँगा, मैं शायद गलत आ गया। अच्छा ये मैं खत लिख ही रहा था, 1997 की बात है। तो मुंबई आके 2.5 महीने हो गए थे और मैंने कहा कि मैं गलत आ गया, ये खत लिख रहा था पिताजी को। और उसी वक्त मेरा एक टूं टूं करके पेजर बजा, तो मैंने देखा तो उसमें एक आया था कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आप फाइनल आपको फाइनल किया गया है एक रोल के लिए। मैंने कहा अरे वाह कमाल है। फिर मैं थोड़ा सा रुका, फिर मैं सोचने लगा कि क्या इससे मेरा काम चल जाएगा एक दिन का शूट पे। तो फिर से ये सच में एक कमाल की बात है, ये मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। थोड़ी देर को फिर बजा, फिर मैंने देखा और एक काम, यकीन मानिए 4 काम एक साथ। तो खत को मैंने वहीं फाड़ दिया, फेंक दिया। फिर मैं उनको फ़ोन किया तो बोले कि आप आइए, एक पायलट शूट कर रहे हैं एक कोई टीवी शो का। तो मैं ना वो शूट किया और हालांकि वो शो आया नहीं, एक बहुत पहले वो मचान करके वो शो आया नहीं, बाद में कुछ बहुत साल बाद शायद वो कहीं DD इसमें दूसरे दूरदर्शन के चैनल पे टेलीकास्ट हुआ है, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ था। उसके बाद मैं एक हमारे, मैं बहुत मानता हूँ उनको, राजन वागदरे जी, तो उनके एक शो चल रहा था मिसेस माधुरी दीक्षित, उसमें एक दिन का काम मुझे मिला। फिर उसका मैंने शूट किया तो वहाँ पे लोग तारीफ़ कर रहे, अरे बहुत अच्छा कॉमेडी करता है। धीरे धीरे करते 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 ऐसे ऐसे एक एक एपिसोडिक, फिर मुझे एक ऐड मिल गया एक टाइमेक्स एक घड़ी का, और एक फिर मैंने एक सिल्वी ने शैम्पू करके उस समय उसका ऐड किया, अभी पता नहीं वो प्रोडक्ट है भी कि नहीं। और ऐसे धीरे धीरे एक एक काम छोटे मोटे करते करते तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा, हाँ मुझे भी काम मिल रहा है। फिर पहला एक सीरियल हमने किया दूरदर्शन के लिए, ये शायद 1998 की बात है, मुंगेरी के भाई नवरंगी लाल, राजपाल यादव और मैं और विनय आप्टे जी का और कभी काफ़ी लोग थे उसमें। तो ये पहला प्रकाश झा जी कर रहे थे शो दूरदर्शन के लिए, ये हमने काफ़ी शूट किया। तो फिर धीरे 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 करके कॉन्फिडेंस आने लगा, तो बहुत मज़ा आया। राजपाल तो
छोटे भाई जैसे मेरे बहुत करीब मित्र हैं, तो हमने बहुत एंजॉय किया वो। तो फिर पैसे भी आने लगे तो किराए भी दे पाते थे, तो ऐसे करते करते एक एक चीज़ जोड़ने लगी। तो पहली फ्रिज छोटी सी है ना भाई, पहली फ्रिज घर पे, तो बड़ा आनंद आया। फिर हम किराया टाइम पे दे पाते थे, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, अब हम टिक सकते हैं। तो ये सीरियल का सिलसिला चलता रहा। इस बीच मुझे मेरे बैचमेट है नम्रता, उनके हस्बैंड है, वो भी मित्र हैं, गिरीश धमीजा, तो बोले भट्ट साहब एक फिल्म कर रहे हैं, आशुतोष राणा भी है उसमें, पहले एक शुरुआत कर लो, एक छोटी सी एंट्री है। तो मैंने कहा मैं करूँगा दुश्मन, हालांकि उसमें सिर्फ एक तरह के कि एंट्री एग्जिट ही है, लेकिन अगर कहा जाए तो मेरे फिल्म में एंट्री हुई है। तो एक छोटा सा कैरेक्टर तो वो किया। फिर पता नहीं उनके नोटिस में आया, तो तनुजा चंद्रा जी दूसरी फिल्म कर रही थी संघर्ष, तो फिर भट्ट साहब ने मुझे याद किया, बोले नहीं नहीं कृष्णा भट्ट को बुलाओ। तो फिर मैं गया, तो उसमें एक अच्छा खासा रोल था रामा कुटी, वो लोग आज भी याद करते हैं। उसमें भी आशुतोष राणा मेरे बैचमेट, अक्षय कुमार, प्रीति सिंह, हम सब, तो उसमें काम किया। अच्छा, ये रामा कुट्टी जो कैरेक्टर है संघर्ष में मैंने किया था, ये मेरे लिए थोड़ा आसान था, क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि वो साउथ इंडियन कैरेक्टर, तो एक्सेंट था वो। ये एक्चुअली बच्चों से, उस फिल्म में क्या है, वो आशुतोष राणा जो बलि बलि देने के लिए बच्चों, उसके बच्चे चाहिए होता है, और ये बच्चों से भीख मंगवाता रहता है ये जो रामा कुट्टी, तो बच्चे लेने के लिए वो आता है, जो उसमें नेगेटिव रोल कर रहे थे आशुतोष राणा। और वो पूरा सीक्वेंस है, और मैं जो उसको पकड़ने के लिए प्रीति जिंटा और ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा उनका हेल्प कर देता हूँ। ये पता चल जाता है ये जो आशुतोष राणा जो कैरेक्टर कर रहे थे उसको, तो वो मुझे मार देता है और उल्टा लटका देता है। उसमें मैं उल्टा भी लटक गया था, क्योंकि उस वक्त बहुत जोश में थे, तो मेरे को पूरा पैर में रस्सी बांध के, तो रॉड पकड़ के, पूरा एक्शन देख के लगता नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो भी किया। बाद में बहुत तकलीफ हुई, बुखार भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन एंजॉय भी किया उसको, क्योंकि हम नए थे तो बहुत जोश में थे, तो इस चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, अकेले चल पड़े थे। तो फिर ऐसे करते 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 एक के बाद एक काम मिलने लगा, सिलसिला बढ़ता रहा, एपिसोड एक, फिर एक हमको शो मिला, एक दिन की वर्दी, एक सहारा चैनल आया, उस पर कमलेश पांडे जी, उन्होंने एक मौका दिया। फिर उनके साथ मैं काफ़ी सारा काम करता रहा ऐसे, तो राजन जी के साथ भी काफ़ी एपिसोडिक काम किया। फिर ये सब करते 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 एक ऐसा मौका मिला मुझे, एक कमाल की बात हुई कि मैं कमल हासन जी को बहुत पसंद करता हूँ एज ए अभिनेता, और मुझे लगता है कि वो बहुत एक ऐसे एक्टर हैं जो कैरेक्टर को जिंदा कर देते हैं। कमल हासन नहीं दिखेंगे आपको, कैरेक्टर दिखेगा। तो मैं उनको बहुत पसंद करता, तो मुझे, मैं सदमा फिल्म बहुत बार देखा था, मैं कुछ दिन पहले ही देखा था जब मुझे ये फ़ोन आया जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा यार कमाल के एक्टर हैं, इनके साथ काम करना चाहिए। तो चमत्कार हो गया, कुछ दिन बाद मुझे कॉल आया कि मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ, कृष्णा जी आपको कमल हासन जी ने याद किया है, तो आपको अपना एक फ़ोटो चाहिए, वो फ़ोटो उनको भेजना है। मैंने कहा अरे यार मजाक मत करो, आप फ़ोन रखो नीचे। मैंने फ़ोन काट दिया, क्यों, क्योंकि हमारे जो दोस्त लोग हैं वो ऐसे मस्ती करते रहते हैं, कभी कभी कुछ बोल के, मुझे लगा। तो फिर फ़ोन आया, बोले अरे सर मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ उनको, ऊटी में शूट चल रहा है फिल्म अभय का, तो आपका एक फ़ोटो चाहिए। तो ऐसे ऐसे फोटोग्राफर एयरपोर्ट में, वो अभी थोड़ी देर के बाद चेन्नई जा रहे हैं, तो उनको आप फ़ोटो दे दीजिए अपना। तो मैंने कहा अरे, मैं तो एकदम फड़बड़ा गया, मैंने कहा अच्छा अच्छा एक मिनट मैं अभी अभी करता हूँ। तो टाइम दिया था उन्होंने, मैं अपना फ़ोटो लेके भागा एयरपोर्ट, और उनको उन्होंने बोला था चेक शर्ट वगैरह पहना हुआ है, तो मैं जाके उनको फ़ोटो दे दिया और वो फ़ोटो पहुँच गया। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि फाइनल, क्योंकि हमारे वहाँ पे बॉबी भाई कहते हैं हम एनएसडी के हमारे सीनियर, वो उस पे डायलॉग हिंदी का स्पेल हेल्प कर रहे थे, तो वो भी थे, तो
सब मुल्कों ने डिसाइड किया था मैं वो रोल करूंगा। मुझे मैं उस वक्त बहुत बीमार था, नाइट शूट करके आया था, वही एक दिन की और दिन का शूट चल रहा था, तो मैं बहुत, मेरी तबीयत खराब, साइनस का प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे करना था। मैंने अगले दिन फ्लाइट पकड़ के चला गया कोयम्बतूर, वहाँ से ऊटी, मैं ट्रांस पे था, मैं जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पहुँचते ही मुझे लेके गए और बिठा दिया, मेकअप करने के लिए बिठा दिया, और पूरे 5 घंटे का मेकअप चला, मुझे ओल्ड गेटअप दे रहे थे, पूरा टिश्यू इशू और उसको पता नहीं क्या करके वो सब, मैं बैठा था एकदम मॉडल बन के, और नाक बह रहा था मेरा एकदम, साइनस सर भारी, मुझे लगा मैं भगवान को याद कर रहा था कि कुछ भी करके मुझे ये काम करना है, अच्छे से करना है। तो चलो उस दिन कमल जी आए मिले, अरे हेलो कृष्णा भट्ट कैसे, तो बोले अरे हो आप बिल्कुल, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, आप एक काम करिए आराम करिए जाइए, आज हम शूट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा थैंक गॉड, कल तक मैं ठीक हो जाऊँ। मैं रात जाके पूरे प्रे करता रहा कि, फिर अगले दिन शूट, फर्स्ट सीन पूरा एक पेज का मेरा सीन है, कमल जी खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा ओल्ड गेटअप में, वो ट्राइबल कैरेक्टर था तनुष कुट। तो मैंने वो सीन किया, सबको अच्छा लगा, अच्छा अच्छा उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लेके आए, कुछ सर आपको ये बोलने का, आपको ये करने का है। मैं देखा, मैंने कहा ये क्या है, बोले तमिल। मैंने कहा हैं तमिल, अरे भाई मेरे को तमिल नहीं आती है। तो कमल जी ने कहा नहीं यू आर साउथ इंडियन ना, मैंने कहा सर साउथ इंडियन हूँ बट मुझे, मैं आई एम कन्नड़, कन्नड़ा और तमिल में बहुत फ़र्क है। तो बोले नो नो नो, मुझे कॉन्फिडेंट आप कर लेंगे। मैंने कहा सर दो मिनट आप 5 मिनट लीजिए। फिर मैं साइड में चला गया, मैं पढ़ने लगा। पता नहीं कभी कभी चमत्कार हो जाता है, अगर आप वही बोलते हैं ना कि आप, आपके अंदर वो पैशन है करने का, मुझे कुछ करना है, ये मौका मुझे मिला है, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। ऐसे कुछ हुआ मेरे साथ, मैंने शॉट दिया, वन टेक में हो गया, तिरु कर कैमरा मैन थे सारे लोग, पूरे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, मुझे समझ में नहीं हो क्या गया। तो हर सब लोग बोल रहे थे हम लोग यकीन ही नहीं कर सकते हैं कि आपको तमिल नहीं आती, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आती नहीं है, अगर आप सब लोग ये कह रहे हैं कि, मैंने कहा हाँ मैं आज से तमिल बोलने लग जाऊंगा। ये एक कमाल का चीज़ हुई। फिर मैं काफ़ी दिन उनके साथ शूट किया, बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, कमाल के प्रोफेशनल लोग हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, मतलब मुझे लगा कि एक ऐसे एक लेजेंडरी एक्टर के साथ मैंने काम किया और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की, मतलब वो भी बहुत ऐसे NSDL के एक्टरों को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं कि उनको मेहनत और ईमानदार एक्टर को हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं कि मतलब ऐसे नहीं शो ऑफ करने वाले। तो बैठ के बहुत हमने बातचीत की, बहुत सारे चीज़, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सवाल थे, मैंने सब कुछ पूछा उनसे, तो उनके हर चीज़ के जवाब दिए, उन्होंने भी कुछ सवाल मुझसे पूछे थिएटर के बारे में, तो हमने बहुत अच्छे समय बिताए। फिर मुंबई, फिर मुझे लगा कि नहीं अब मैं पूरी तरह से मुंबई के लिए फिट हो गया हूँ। तो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद और एक फिल्म मेरी वाले चीनी कम, फिर इस बीच हमने राजपाल ने एक दिन फ़ोन किया, दादा एक फिल्म करना है आ जाओ आप। तो मैं चला गया, तो बोले कि जो भी डायरेक्ट प्रोड्यूसर तुमको मिला है, ये हमारे NSDL के सीनियर है, ये रोल ये कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, उन्होंने भी देखा। तो फिर लेडीज टेलर हमने किया, बहुत मज़ा आया, मनोज पावा, मैं, राजपाल, अजाक खान सब थे, तो उसको बहुत एंजॉय किया उस फिल्म को, उसमें अच्छा एकदम वन ऑफ द लीड रोल ही था। फिर ऐसे सिलसिले शुरू हो गए, एक के बाद एक, बहुत सारे फिल्में की, चीनी कम बेहतरीन, बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया उस कैरेक्टर को, कोलगेट को। तो उसके बाद ऐसे करते करते बहुत सारे फिल्म की, कौन हो सकता है, एक हो सकता है एक फिल्म की थ्रिलर, थैंक्स माँ, और मनी है तो हनी है, ये है मुंबई मेरी जान, भट्ट साहब भटकैम के। तो ऐसे करते करते 30-35 फिल्म झोली में आके गिरी। ये सब कर ही रहा था, एक मैंने फिल्म की द कैंप, संजय मिश्रा जी और मैं, हमारे सीनियर, तो वो कमाल के एक्टर वो भी, तो वो कर रहा था। तो उसके बाद वो फिल्म ठीक से पता नहीं किसी कारण की वजह से वो
जिस तरह से उसका प्रमोशन हो, जिस तरह से रिलीज होना होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। बहुत मेहनत की हमने, बहुत अच्छी फिल्म, बच्चों की फिल्म बनी।